इसमें ये जो चीज़ जो मैंने दिखाई वो क्या है, सरफेस एक्टोडॉम। सरफेस एक्टोडॉम के बाद ये जो मैंने ब्लू ब्लू बनाया है, ये जो ब्लू ब्लू से जो मैंने लाइन किया वो है न्यूरल ट्यूब, क्योंकि हमें पता है सरफेस एक्टोडॉम के बाद क्या आती है, न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब को सराउंड किया हुआ है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब न्यूरल ट्यूब ये है ऐसे, ठीक है, इसको सराउंड कर लेगी हमारे पास नोटोकॉर्ड, और इस नोटोकॉर्ड को पूरे को जो है वो सराउंड करेगी कौन, पार एक्सियल मेजियोडर्म। तो मैंने जो ग्रीन से जो बनाया वो क्या बनाया, पार एक्सियल मेजियोडर्म। अब इस पार एक्सियल मेजियोडर्म के नीचे जो है मैंने छोटा सा ये वाला जो ग्रीन से एरिया बनाया ये वाला, ये हमारे पास क्या चलेगा, इंटरमीडिएट मेजियोडर्म। इस इंटरमीडिएट मेजियोडर्म के नीचे जो अब हमारे पास जो एरिया चलेगा, जो अब इन सबको लाइन करेगा, वो क्या हमारे पास, लेटरल पेट का भी कौन सा वाला पार्ट, सोमेटिक। लेटरल पेट का भी कौन सा वाला पार्ट, सोमेटिक, जो कि क्या करेगा कि इन सबको लाइन कर लेगा, इन सबको लाइन कर लेगा, और फिर ऊपर जाएगा और फिर एक्टोडर्म को लाइन करेगा अंदर से, ठीक है। जितना भी अब हमारे पास एरिया है ना, क्योंकि ये तो एक महदूद सा एरिया है, ये जो हमने न्यूरल ट्यूब देखी और सोमेटिक मेजियोडर्म हमने देखा, सॉरी न्यूरल ट्यूब देखी, न्यूरल ट्यूब के ऊपर जो कवरिंग थी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर जो थी वो पारेसियल मेजियोडर्म, ये सिर्फ एक इतना सा एरिया है, लेकिन हमारे पास पीछे बॉडी वॉल है, ठीक है। ये अगर एरिया है, ठीक है, तो ये पीछे सरफेस एक्टोडर्म है, तो हमारे पास लेटर प्लेट जो है वो इस एरिया के डॉर्सली आ जाएगी और सरफेस एक्टोडर्म के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये मैंने चीज़ दिखाई, ये हमारे पास सरफेस, ये लेटरल प्लेट मेजियोडर्म का सोमेटिक वाला पार्ट है, जो कि इनको पहले इंटरनली भी लाइन कर रहा है और फिर पीछे जाके क्या करेगा, एक्सटर्नली भी लाइन करेगा इसको, एक्टोडर्म को, सरफेस एक्टोडर्म को, ठीक है। और फिर ये हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास ये नीचे तक एंड तक कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, जो हमारे पास बाहर से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक जो एक्टोडर्म को लाइन करी थी उसके साथ ये कनेक्ट करेगा। किस एरिया पे कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा जहाँ पे हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक वाला एरिया होगा, वहाँ पे जाके ये कनेक्ट करेगा। यहाँ पे हमने देखेंगे कि पूरा एरिया जो है हमारे पास क्या बनेगा, कनेक्टिंग स्टॉक वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये लेटरल प्लेट वाली जो है वो यहाँ पर आके कनेक्ट करेगी किसके साथ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक के साथ। इसी तरीके से अब ये जो है, ये है हमारे पास एंडोडर्म। अब जो एंडोडर्म को जो लाइन कर रही है, एंडोडर्म को भी एक्सटर्नली और इंटरनली जो लाइन कर रही है वो कौन सी है, इंट्रा स्प्लेक्निक। एंडोडर्म जो है, एंडोडर्म को जो एक्सटर्नली और इंटरनली जो लाइन कर रही है वो कौन है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्निक, ठीक है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्निक लाइन कर रही है एंडोडर्म को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। लेटरल प्लेट का पार्ट है, हाँ लेटरल प्लेट का पार्ट है, क्योंकि हमने देख लिया लेटरल प्लेट स्प्लिट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारे पास, हमें पता है एंडोडर्म का जो एंडोडर्म और जॉक सैक कनेक्टेड होता है, एंडोडर्म और जॉक सैक कनेक्टेड होता है, ये जॉक सैक है। अब ये कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, ये जो डक्ट मैंने बनाई है ना, सॉरी जो पूरा जो मैंने बनाया ये एरिया जो डक्ट टाइप एरिया है, इसको कहते हैं विटेलाइन डक्ट। क्या कहते हैं, विटेलाइन डक्ट, ठीक है, विटेलाइन डक्ट और मिडगट, विटेलाइन डक्ट और मिडगट, ठीक है। ये हमारे पास कनेक्ट करती है यॉर्क सैक को। अब यॉर्क सैक को पहले जब हमने इनिशियली देखा था कि यॉर्क सैक को सराउंड किसने किया था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्निक से। अब जैसे जैसे यॉर्क सैक रिग्रेस हो रहा है, तो ये हमारे पास जो चीज़ लेयर इसके साथ चुपकी हुई है वो भी इसके साथ साथ रिग्रेस होती हुई जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्निक है और अंदर से इसने लाइन किया हुआ था एंडोडर्म को इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्निक ने। तो जितना ये जैसे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रिग्रेस होने लगी, तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो है वो इन दी एंड इससे कम्युनिकेट कर लेगी। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक ने क्या किया, कम्युनिकेट किया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्निक से और लाइन किया किसको, हमारे पास एंडोडर्म को, और एंडोडर्म इन दी एंड क्या बनेगी, GIT बनेगी। तो अभी जो हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है डायफ्राम एंड थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी से पहले मैंने बताया था कि हमारे पास बॉडी कैविटीज़ कितने टाइप की होती है। तो बॉडी कैविटीज़ हमारे पास होती हैं तीन टाइप की, एक जो कि थी हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, दूसरी जो थी हमारे पास वो थी पेरिकार्डियल कैविटी पर कंटिन्यू होती है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, फिर पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल जाती है किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। वैसे अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास तीन कैविटीज़ होती हैं, एक होती है पेरिकार्डियल कैविटी, दूसरी होती है पेरिटोनियल कैविटी और तीसरी होती है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी एक्चुअली होती नहीं, उसको हम बनाते हैं, ठीक है। प्लूरल कैविटी जो होती है वो होती नहीं है, उसको हम बनाते हैं। इनिशियली क्या होती है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है, वो हमारे पास कंटिन्यू होती है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, और वो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल जो होती है वो पेरिटोनियल कैविटी में चली जाती है। इस पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल से है ना, फिर हम इस प्लूरल कैविटी को बनाएंगे। अब वो कैसे, कि ये देखो ये है हमारे पास क्या चीज़, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी कैसे बनी, कि ये जो हमारे पास एंडोडर्म को सराउंड करने वाली विजरल लेयर थी, एंडोडर्म को सराउंड करने वाली कौन सी लेयर थी, विजरल लेयर थी। जैसे यहाँ पे देखो, एंडोडर्म को जो सराउंड करी थी विजरल लेयर, वो क्या करेगी, वो अपने कुछ सेल्स जो हैं वो
इसको नीचे की तरफ देगी, ठीक है। वो कुछ सेल्स जो हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, जो कि यहाँ पे थे, वो क्या करेंगे, वो अपना कॉन्टैक्ट जो है वो एंडोडर्म से तोड़ेंगे और वो क्या होगी कि वो हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे और वो क्या करेंगे कि हार्ट को सराउंड कर लेंगे। ये जो हार्ट को सराउंड करी हुई विजरल लेयर है वो कहाँ से आई थी कि जो पहले एंडोडर्म को सराउंड कर रही थी, उसने अपना एंडोडर्म से कनेक्शन तोड़ा और क्या किया कि हार्ट को सराउंड कर लिया, हार्ट को सराउंड किया। साथ में हमारे पास ये जो है ना सोमेटिक वाली लेयर थी जो कि सरफेस एक्टोडर्म के आगे थी, वहाँ से ये इसके कुछ सेल्स आए और इसने क्या किया कि हमारे पास इस विजरल लेयर के बाहर आ गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये विजरल लेयर और ये सोमेटिक लेयर, इन दोनों के बीच में क्या चीज़ बन गई, पेरिकार्डियल कैविटी। ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है ये हमारे पास क्या कैसे कंटिन्यू हो जाएगी, ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी एज पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल से। तो मैंने जब पहले लेक्चर वगैरह बताए थे तो उसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी कि मैं ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल को एंडोडर्म के ऊपर लेके चले गया था और फेरेंजियल आर्टिस के मेसेनकाइम में लेके चले गया था। तो ये ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है कि ये हमारे पास एंडोडर्म से पहले ये है ना पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल चलती है, क्योंकि हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल को अगर मैं है ना फेरेंजियल मेसेनकाइम में चले जाऊँगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कमर के बिल्कुल बाद पेट बन जाएगा, कमर के बिल्कुल बाद पेट नहीं होता, एंडोडर्म से पेट निकल रहा होता, पेट जो होता है वो हमारे पास कमर की साइड से नहीं आता, पेट जो होता है हमारे पास एंडोडर्म से आगे आता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स हैं वो अब क्या होगा कि ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी से कंटिन्यू होंगे एज पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स, ये पेरिकार्डियल कैविटी ये कंटिन्यू हो रही है एज पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स, ठीक है। अब फर्दर ऑन हमारे पास क्या होगा कि ये है हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ है जिससे अब ये जो है ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल से अब ये हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल जा रही है किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब इसी पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल से पहले जो यहाँ पर हमारे पास विजरल वो थी विजरल हमारे पास मेसोडर्म थी यहाँ पे जो लगी हुई थी जो कि एंडोडर्म को सराउंड कर रही थी, उसने हमारे पास पहले ये सेप्टम ट्रांसवर्सम दे दिया था, उसने क्या किया था पहले हमारे पास ये सेप्टम ट्रांसवर्सम दे दिया था जो कि हमारे पास क्या बनाएगा, डायफ्राम बनाएगा, और इस सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, लिवर। तो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम अपनी जगह है और एंडोडर्म को जो सराउंड करने वाली विजरल लेयर थी वो खत्म हो चुकी है और हमारे पास ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी आ गई है। अब क्या होगा कि हमारे पास ये एंडोडर्म है, ये जो एंडोडर्म है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये एंडोडर्म क्या करेगी, ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी बड निकालेगी, क्या करेगी रेस्पिरेटरी बड निकालेगी यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रेस्पिरेटरी बड आएगी। ये रेस्पिरेटरी बड जो होगी वो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, इस पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगी। ये रेस्पिरेटरी बड क्या होगा, इस पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगी, यानी कि एंडोडर्म ने जो रेस्पिरेटरी बड दिया अब वो हमारे पास पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझा जरा, अब जैसे ये जो ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर हमारे पास ये रेस्पिरेटरी बड आ रही है। अब जैसे ये रेस्पिरेटरी बड इसके अंदर आएगा तो जो हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग में जो मेसेनकाइम है, ये जितना भी यहाँ पे सराउंडिंग में मेसेनकाइम होगा वो क्या करेगा, वो अब हमारे पास इसको यहाँ से हार्ट के एंटीरियर साइड पर लेके आएगा, ये देखो ये पकड़ फंका, ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल है, यहाँ पे मेरा हैंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट को। अब जैसे ये रेस्पिरेटरी प्रिमोडियम इसके अंदर आया तो जो सराउंडिंग फैब्रिक्स का सराउंडिंग मेसेनकाइम होगा, जो इधर 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 जो सराउंडिंग मेसेनकाइम है वो क्या करेगा, वो पेरिकार्डियल फोल्ड्स देना शुरू करेगा, जो सराउंडिंग मेसेनकाइम जो है ना वो क्या करेगा, पेरिकार्डियल फोल्ड्स देगा, सराउंडिंग मेसेनकाइम जो होगा वो क्या करेगा, पेरिकार्डियल फोल्ड्स देगा। वो फोल्ड्स क्या करेगा, वो इस पेरिकार्डियल पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल इसको पुशअप करेगा कि ये हमारे पास हार्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे आने लगे, क्या करेगा इस हार्ट, ये मेरा हार्ट था, ठीक है, ये हार्ट था, यहाँ पे सराउंडिंग मेसेनकाइम आए, उन्होंने क्या किया कि इस पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैविटी को यहाँ से डॉर्सल से एंटीरियर एस्पेक्ट पे लेकर आ गए। फिर क्या होगा कि ये हमारे पास है ना इसका एक कनेक्शन हार्ट से बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल का कनेक्शन जो था वो हार्ट से भी था और इसका कनेक्शन जो है वो पीछे की तरफ। तो हमने ये देखा कि रेस्पिरेटरी प्रिमोडियम है, ये हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, इस पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सराउंडिंग में फाइब्रस सराउंडिंग में जो मेसेनकाइम होगा, जो इस एरिया में मेसेनकाइम है, वो क्या करेगा, वो इस जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल है इसको पुशअप करेगा कि ये हमारे पास क्या हो, कि ये हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे आना शुरू हो जाए। ये हार्ट है, अब हार्ट के ये हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे आने लगेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे पास
लंग्स जो है वो सम हाउ एंटीरियर होते हैं किसके, हार्ट के। तो पहले हमारे पास लंग्स आ कहाँ से रहे, एंडोडर्म से, और एंडोडर्म पहले कहाँ थी, हार्ट के पीछे थी। तो हार्ट के आगे कौन लेके आए, जो हमारे पास सराउंडिंग में मेसेनकाइम थे, उन सराउंडिंग मेसेनकाइम ने सबसे पहले क्या बनाया, प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड। उन प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड की जब आगे की तरफ एक्सटेंशन हुई, जैसे उन्होंने है ना इनकॉर्पोरेट आगे इन पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया, तो वो हमारे पास बन गई है ना प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। उस प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से अंदर रखो, अब ये प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ने क्या किया कि इस है ना प्लूरोपेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल को आगे कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ये लेफ्ट राइट लंग आ गया, ये लेफ्ट लंग आ गया, ठीक है, ये मेरा हार्ट इधर ही है। अब क्या हुआ कि जो सराउंडिंग वो जो है हमारे पास जो मेसेनकाइम था, वो सराउंडिंग मेसेनकाइम क्या कराएगा कि वो इस साइड से जो फोल्ड आ रहा है और जो इस साइड से फोल्ड आ रहा है, ये दोनों फोल्ड जो है वो आपस में मिल जाएंगे, और क्या कराएगा कि ये जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल थी इस साइड पे और इस साइड पे, इसका कनेक्शन हार्ट से कैंसिल करवा देंगे। ये जैसे यहाँ से मिली, ये यहाँ से मिली, तो इससे क्या हुआ कि हार्ट अपना अलग पेरिकार्डियल कैविटी में बन जाएगा, ये दोनों लंग्स जो है वो अलग प्लूरल कैविटी में आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों प्लूरल कैविटी का कनेक्शन जो है ये अभी हमारे पास इस जो फर्दर वो कैनाल है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, जो कि सेप्टम ट्रांसवर्सम वगैरह के ऊपर रन कर रही है, उनसे मेंटेन रहेगा। अगर इसको हम सिंपली समझने के लिए देखें तो जो साइड में हमारे पास वो थे सराउंडिंग मेसेनकाइम, उन मेसेनकाइम ने क्या किया, फोल्ड्स बनाया। इस फोल्ड से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स थी, ये हमारे पास समहाउ क्या होंगी, हमारे पास एंटीरियर आने लगेंगी, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो मेसेनकाइम थी, ये मेसेनकाइम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की तरफ जब अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे कि इन कैनाल्स का, ये जो कैनाल्स थी, ये एक कैनाल, ये दूसरी कैनाल, ठीक है, ये एक कैनाल, ये दूसरी कैनाल, इन दोनों कैनाल्स का क्या होगा कि हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी से कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पेरिकार्डियल कैविटी अलग हो जाएगी और दोनों कैनाल्स जो हैं ये हमारे पास अलग हो जाएंगी। जैसे ये पेरिकार्डियल कैविटी हो गई और ये हमारे पास कैनाल्स अलग अलग हो गई, बीच में क्या होगा हमारे पास सराउंडिंग फाइब्रस, वो सराउंडिंग मेसेनकाइम होगा। जैसे इसके अंदर देखो, यहाँ पर क्या है कि लंग्स जो है वो हमारे, ये रिस्पायरेटरी प्रिमोडियम है, ये रिस्पायरेटरी प्रिमोडियम जो है वो अब हमारे पास इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, जैसे ये रहा हार्ट, ठीक है, लंग्स, ये लंग्स इस तरफ भी गए, इस तरफ भी गए। अब ये रही पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, जिसका कनेक्शन अभी इस पेरिकार्डियल कैविटी से मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे जो सराउंडिंग मेसेनकाइम है, जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ पहुँचने लगेंगे तो क्या होगा, ये कनेक्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। इस तस्वीरों में बाकी इतना अच्छा समझाया नहीं है, लेकिन ये जो कनेक्शन जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका जो जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल है, इसका कनेक्शन हमारे पास पेरिटोनियम से रहेगा, पेरिकार्डियम से ख़त्म हो जाएगा, कनेक्शन पेरिटोनियम से रहेगा, पेरिकार्डियम से ख़त्म हो जाएगा। इसी ये जो हमारे पास प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इसमें ये चीज़ याद रख लेना कि हमारे पास फ्रेनिक नर्व और कॉमन कार्डिनल वेन होती है, क्योंकि जब ये हमारे पास प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जब हमारे पास उसको रिस्पायरेटरी कैविटीज़ को और पेरिकार्डियल कैविटीज़ को सेपरेट करा देगा, तो ये जो प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास हार्ट को सराउंड कर लेगी, ये जो प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास हार्ट की पेरिकार्डियल कैविटी को सराउंड कर लेगी और हार्ट की हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम बना देगी। क्या बना देगी, हार्ट की फाइब्रस पेरिकार्डियम, और फाइब्रस पेरिकार्डियम के ऊपर हमारे पास क्या चीज रन करती है, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगी, फ्रेनिक नर्व होगी, ठीक है। ये फ्रेनिक नर्व फिर क्या करेगी, ये हमारे पास हार्ट को भी वो हार्ट की सरफेस के ऊपर से रन करेगी और ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है, जो कि हमारे पास डायफ्राम बनाएगी, उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। तो जो चीज़ याद रखने की जो पेपर में आती है वो यही आएगी कि है ना हमारे पास प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड क्या है, प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या है, और वही हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम बनेंगे, ठीक है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम इज फॉर्म बाय प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन।